हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? फर्स्ट क्लास? ओके, ऐसे ही होना भी चाहिए, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलो भाई, देखो अभी तक हमने आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने डायमेंशंस के बारे में बताया था, है ना। कई कई चीजों के डायमेंशन बताए थे, कई चीजें आपको समझाई थी। तो डायमेंशन निकालना मतलब अब कई फिजिकल क्वांटिटीज, अब देखो कितनों के हम याद करेंगे। जैसे जैसे आता रहेगा धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं इनके प्रोसीजर्स, इसको यूज कैसे करते हो, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो डोंट वरी। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम ये चेक करने जा रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास अगर है तो वेदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। चेकिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मूला कोई भी चीज अगर है बच्चे, ठीक है, तो हमने वो चेक करना है कि वेदर दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आज हमने ये काम करना है। ओके फ्रेंड्स, आवाज आ रही होगी अच्छे से, सब सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? ओके, तो जस्ट वेट, कॉपी ओपी ओपन कर लो, आई एम कमिंग इन सेकेंड्स। यस बच्चों, आ गया मैं। So for a second, yes, done. Okay. So friends, अब हमने करना है कि इक्वेशन चेक करना है, कोई फॉर्मूला चेक करना है। ठीक है, तो चलो सिखाता हूं मैं आपको। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहला कि कोई भी इक्वेशन, मतलब कोई ऐसा सोचो कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, ठीक है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किन फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हैं जो सेम होंगे। जैसे मैं बोलूं कि 5 किलो चावल में 2 मीटर वायर ऐड कर दो, ऐड कर सकते हो। जैसे ये देखो, हमारे पास कोई चीज है 5 केजी, 3 केजी, 1 केजी, तो इनको जोड़ सकते हो क्योंकि सारे केजी हैं। केजी का मतलब सारे के सारे मास है, तो तीनों को ऐड कर, 5 3 8 और 1 9 केजी। मान लो हमारे पास 5 मीटर, 2 मीटर कोई चीज है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 मीटर। दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो 5 केजी और 2 मीटर, इनको ऐड कर सकते हो? नहीं ना, यू कैन नॉट ऐड। जैसे एक्स प्लस एक्स, यू कैन राइट टू एक्स, लेकिन एक्स प्लस वाई है तो क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे? क्योंकि एक्स डिफरेंट है, वाई डिफरेंट है, यू कैन नॉट ऐड देम, या एज इट इज पड़े रह जाएंगे। समझ गए? तो यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और मल्टीप्लाई किसी को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज के होंगे, ठीक है बच्चों। सो हियर हम इसको करने जा रहे हैं, तो देखते हैं जरा कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, चेकिंग ऑफ इक्वेशंस। डन, इक्वेशन बोल दो चाहे फॉर्मूला बोल दो। तो चलो, एक इक्वेशन है, बचपन में आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, डैट फॉर्मूला इज क्या होता है, वो बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सुना है इसके बारे में ना, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज अ फॉर्मूला। एंड आई वॉन्ट टू चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखना, बहुत ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो देखो, बी को क्या बोलते हैं, 3 टर्म्स है इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये है। ये दोनों सिंगल है, यहाँ पे 2 लोग मल्टीप्लाइड है, चाहे 3 हो चाहे 4, मल्टीप्लाइड वालों की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये और ये, इन तीनों के डायमेंशन सेम आने चाहिए दोस्तों। अगर वो सेम आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन ठीक है, सेम नहीं आया तो इसका मतलब इक्वेशन गलत है। चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो वी का देखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ वी। वी होता क्या यार इस फॉर्मूले में, पता है ना? नहीं पता। v is called final velocity, u क्या है initial velocity, a क्या होता है acceleration, t क्या होता है time। तो final velocity v है, final final का मतलब बाद वाली, आखिरी वाली velocity। तो final तो गया, velocity बची ना, है तो velocity, चाहे final हो initial हो, चाहे सर्दियों की हो चाहे गर्मियों की, velocity तो velocity होता है ना। तो velocity का क्या है dimension formula, lt-1। डन। अब बात करेंगे यू की, यू क्या होता है दोस्तों,
कहाँ होता है यू? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल है मतलब शुरू वाली वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही। तो डायमेंशन फॉर्मूला इज एल टी माइनस वन। ये तो मत पूछ लेना कि सर ये एल टी माइनस वन कहाँ से आ गया, बताया था उसे ना यार, निकलवाया था सारा कुछ पिछली क्लास का, देख लिया करो, नहीं तो पिछला वीडियो होगा वहां पे देख लेना, ठीक है। एल टी माइनस वन, नाउ वी आर गोइंग फॉर ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी, ठीक। ए इज वॉट एक्सेलरेशन, टी इज वॉट टाइम। एक्सेलरेशन का याद है एल टी माइनस टू, और टी टाइम है, एक टी और यहाँ पे ठोक दो भैया, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एल तो ऐसे रहेगा, टी माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू में प्लस वन करते हैं तो कितना होता है, माइनस वन आ जाता है ना, ऐसा। तो क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, तीनों टर्म्स, ये टर्म बोलते हैं इक्वेशन के, तीनों टर्म के डायमेंशन क्या है सेम है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना, चाहे दो लोग यहाँ पर मिलके बना रहे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी बार बार बोल रहा हूँ, वी कैन मल्टीप्लाई टू फिजिकल क्वांटिटीज, बट हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज का कर सकते हैं दोस्तों। सो हियर ऑल थ्री आर करेक्ट, मतलब तीनों सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो बनाया, ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही इक्वेशन है, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है, डन, बात समझ आई, ओके। चलो अगला देखते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, तुम लोग तो बार बार यहाँ से देख देख के लिख लोगे, है ना। एक इक्वेशन चलो ये पढ़ा हुआ हमने, बीच में लिखता हूँ, ऐसे इक्वेशन थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ut plus half a t square, सुना इस इक्वेशन के बारे में, पढ़ा होगा छोटी क्लास में, नाइन्थ क्लास, मैंने बोला था नाइन्थ क्लास की रिवीजन करो एक बार, पुरानी यादें ताजा कर लो, समझ गए, वहां की बहुत जरूरत पड़ेगी, नाइन्थ को ही प्लस वन में कन्वर्ट किया गया है, ओके। तो ठीक है बच्चों, तो s क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस, u क्या होता है, वही इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है, टाइम, हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, a एक्सेलरेशन, t फिर से क्या है यहाँ पर, टाइम है, ओके फ्रेंड्स। तो चलो चेक करते हैं इक्वेशन सही है कि गलत है, तो पहला क्या करते हैं, ये s का तो डायमेंशन ऑफ s क्या होगा, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ s, डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस का क्या होता है, एल ही तो होता है, ठीक है, ut डायमेंशन ऑफ u इंटू टी, अब देखो इसमें कितने टर्म थे, एक दो और ये पूरा ये तीन, दिस इक्वेशन हैज गॉट थ्री टर्म्स, ठीक, तो इन तीनों का सेम आना चाहिए, तो मैं ut का निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई बोला तो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ut, u का क्या होता है, एल टी माइनस वन, डन, t टाइम, टाइम का क्या होता है, t तो होता है, दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा भैया, L, तो डायमेंशन ऑफ s, u, t, ये सब क्या आ गया, L आ गया, कोई दिक्कत किसी को, नो ना। तो तीसरा टर्म देखते हैं, डायमेंशन ऑफ हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, अब देखो हाफ, हाफ का क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसका कोई डायमेंशन होता है नहीं ना, तो हाफ का कोई होगा नहीं, अब किसका देखना है, ए का, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू होता है, और टी स्क्वायर, व्हाट इज टी, टाइम, टाइम का स्क्वायर, ये हो गया, अब देखो क्या होगा, ये टी टू, टी माइनस टू कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, दैट इज अगेन एल, तो देखो दोस्तों यहां पर तीनों टर्म्स, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का डायमेंशन क्या आया, सेम आया, सेम आने का मतलब है कि ये इक्वेशन भी आपका कैसा है, करेक्ट है, और इस इक्वेशन बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने सही से लिखा था, है ना, सो चेकिंग ऑफ इक्वेशन, बात समझ में आ रही है, सिर्फ देखो क्या है, फिजिक्स में एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी पढ़ने से नहीं हुआ, इक्वेशन चेक करते हैं, डायमेंशन सेम है तो हो गया, करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं वही आपको हर बार एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस भी किया करो घर पे, ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैं तो अगर फिजिकली होता तब तो जरूरी, कोई बात नहीं है, एक घंटे डेढ़ घंटे की क्लास होती, रोज क्लास होती है तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आती, अभी यहाँ पर तो आपको जितना सिखाऊंगा उससे फिर आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी करना है, ऐसे नहीं करते जाना है कि चलो भाई सर पढ़ाते जाएंगे हम भजन सुनते जाएंगे, ठीक है, ओके। सो बच्चों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना,
ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर देना, सब कुछ कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस और डालता रहूंगा तो आपको मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। जरा एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ठीक है, दिस इज द इक्वेशन W by T F into V plus M V square, ठीक है, और लिख देता हूं M V square into T, ठीक है, लंबा चौड़ा लिख दिया इक्वेशन। अब तुमने चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। बता दूं, क्वेश्चन में बताया गया होगा कि कौन सी चीज क्या क्या है। W वर्क डन डिवाइडेड बाई T टाइम, फोर्स ये भी वेलोसिटी है, प्लस एम मास है, वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू टी है, इतने टर्म्स, ठीक, सारे वैल्यूज पता चल गया। अब इक्वेशन सही होने के लिए किन किन का डायमेंशन सेम होना चाहिए, एक तो इसका पूरे का, एक इस पूरे का और एक इस पूरे का, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को किसी के साथ कर सकते हैं, ध्यान रखना बार बार बोल रहा हूँ, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ही कर सकते हैं, जिसके डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या होंगे सेम, डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो चलो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का कैलकुलेट ये करते हैं, W बाई टी का निकालते हैं दोस्तों। वर्क क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, नीचे टाइम का क्या होता है टी होता है ना, एम एल टू टी माइनस टू, नीचे टाइम का टी हो गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो डायमेंशन क्या होगा, इकट्ठा कर ले तो एम एल तो एज इट इज रहेगा, देखते रहना ध्यान से, और टी माइनस टू है और ये टी भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक बार लिख के दिखाऊं, ओके, माइनस टू इंटू टी का पावर माइनस का, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा, एम एल टू टी का पावर माइनस थ्री, सेम आया ना, तो इसका मतलब अभी पहले टर्म का आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री। चलो अब इसका देखते हैं दूसरे टर्म का, F into V, इकट्ठा देखना होगा, मेरे F का अलग निकाल लिया, V का अलग निकाल लिया, तो फोर्स का क्या होगा भाई, पता है ना, MLT minus 2 होता है फोर्स का, into velocity है, velocity क्या होता है, LT minus 1, ठीक है, इकट्ठा कर लो, M, L देखो एक यहां पर एक L यहां पर, दिख रहे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का पावर टू, और टी माइनस टू और माइनस वन तो क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस थ्री, क्लियर, कोई दिक्कत, दोनों सेम आए क्या, हाँ यार कमाल हो गया, सेम आ गए दोनों, ठीक है, चलो शुक्र है। तो दोनों के डायमेंशन सेम आ गए, ओके, अभी तक खुशी है हमारे बीच में। चलो तीसरा वाला कर लेते हैं, इसका भी एम वी स्क्वायर इंटू टी, यहां लिख रहा हूं मैं, एम मास एम हो गया, वी स्क्वायर, वी क्या होता है एल टी माइनस वन का स्क्वायर इंटू टी, टी का ही हो गया, ठीक है। आज हमारे पास मार्कर खत्म हो गया है, समझ रहे हो, लॉकडाउन में मिल नहीं रहा है, बड़ी दिक्कत है। एम देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल का स्क्वायर है, थोड़ा कोशिश कर लेना, ये टू है पावर, ठीक है, एल स्क्वायर, टी का पावर माइनस है उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर था ना, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस टू। अब एक टी और भी है, ये वाला इकट्ठा करो सबको, तो क्या आएगा, एम एल टू टी का पावर माइनस वन, माइनस टू और प्लस वन क्या होता है, माइनस वन ना, तो मेरे दोस्तों यहां पर देखे आप लोग, तो इसका डायमेंशन पहले टर्म का ये आया, दूसरे टर्म का ये आया, तीसरे का लेकिन ये आया, गड़बड़ हो गया ना, तीनों सेम तो नहीं है, ये दोनों ठीक थे, ये आउट ऑफ ट्रैक चला गया, तो इसका डायमेंशन सेम नहीं है, इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। गलती कहाँ है वो हमें पता है, गलती में देखो इस वाले पॉइंट पर है, यहां पर है कुछ गड़बड़,
यहाँ पर पावर अगर -3 है, यहाँ -3 हो जाता तो बात बन जाती, बट यहाँ पर है नहीं ऐसा, तो चलो क्या कर सकते हैं है? तो मेन पर्पस था इक्वेशन को चेक करना, करेक्ट करना, तो वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अभी आपको एक दो एग्जांपल्स और देता हूं कि हाउ वी कैन चेक इक्वेशंस, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब इसमें चेकिंग पे आप ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई करना, तरीका से भी इतना है। ठीक है, तो हर लेक्चर में थोड़ा लंबी वीडियोस में नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मार्कर भी नहीं है लॉकडाउन में, यहाँ पर कोई वर्कर भी नहीं है, आसपास कोई डंकी स्टेशनरी शॉप नहीं है जहाँ से चीजें मिल जाए। जो भी चीजें हैं बस आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपका फायदा होता रहे। तो हर क्लास में मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ। तो आज मैंने क्या सिखाया, लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 2 आप कर चुके हैं, लेक्चर 3 में चेकिंग ऑफ इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। ठीक है, चेकिंग ऑफ इक्वेशन बोल दो या चेकिंग ऑफ फॉर्मूलाज बोल दो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं और भी हम एक दो। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी तो आती होगी समझ में। तो देखो अगला इक्वेशन ये है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पूछा गया चेक करो फॉर्मूला सही गलत है। ठीक है, जरूरी इक्वेशन ही होंगे, फॉर्मूला भी इधर का, ये भी तो इक्वेशन, फॉर्मूला भी तो इक्वेशन ही होता है। F equals to this, एक आठ और जोड़ दोगे तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों चेक दिस इक्वेशन, तो पहला F को देखो, डायमेंशन ऑफ F क्या होगा, याद है हमें MLT-2, याद है ना, बोलो यही होता है। अब इसका चेक करते हैं, किसका डायमेंशन ऑफ MV² / R, वहां पर m मास है, v वेलोसिटी है और r है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वैसे बता चुका हूं आप लोगों को, ये सेंट्रीपेटल फोर्स है ना। तो m v स्क्वायर, v मतलब LT-1 का होल स्क्वायर और नीचे r यानी कि l, ये ऐसे लिख दिया, बिग ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, समझ गए। तो m आ गया, एल स्क्वायर कोनो दिक्कत, T⁻², और नीचे l एक और है, ब्रैकेट लगा दिया हमने, और करें तो m दिख रहा है, l स्क्वायर में से l एक कट जाएगा, कट जाएगा ना, क्या बचेगा l, और T⁻², डन। तो देखिए दोस्तों क्या दोनों सेम आए, इधर वाला ये आया, इस पूरे का ये आया, दोनों सेम है बिल्कुल। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये जो यहाँ पे हमने डिराइव इक्वेशन से एक लिखी थी, ये बिल्कुल सही है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत आप सबको ना ही ना। एक एग्जांपल और, जैसे आप लोग बिल्कुल तसल्ली बख्श तरीके से समझ जाए, फिर इस पे भी एक और यूज होगा, दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो देखिए आप सब लोग, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये MV² = GH, चेक करना है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, Where m is the mass, v velocity, g क्या होता है, acceleration due to gravity or due to mono है तो acceleration, ये ध्यान रखा करो, आगे पीछे जो लिखे होता है ना उनसे ज्यादा घबराना नहीं है। तो acceleration due to gravity है, तो चलो लिखते हैं इसका dimension formula, m का mass हो गया, MV² का निकाल रहा हूं पहले, ठीक है, MV² का, तो MV² मतलब LT-1 का होल स्क्वायर, डन, कितना आ जाएगा ये m, l का पावर 2 क्योंकि स्क्वायर था ना, और t का पावर -2, तो ML2T-2, डन, कोई दिक्कत, ओके। चलो ये gh, इसका देख लेते हैं, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-2, और h, h इज व्हाट, हाइट, हाइट मतलब मीटर, ठीक है, हाइट को केजी में थोड़ी नापते हैं,
ऊपर गया भैया केजी, 5 केजी ऊपर चला गया मैं, है ना, ऐसा नहीं होता ना मीटर। तो क्या आ गया, L2T-2। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा ये और ये को अगर हम देखें तो यार ये गलत हो गया ना, सेम नहीं है ना, ML2T-2 है, यहाँ पे L2T-2, तो इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। सही करने का अगर हम सोचें तो क्या सही कर सकते, जरा सोचो सही कैसे कर सकते हैं। देखो ये गड़बड़ा, या तो यहाँ से एम हट जाए या तो यहाँ पे एम आ जाए, दो ही बात हो सकती है ना। यहां से अगर मैं एम हटा दू तो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, यहां से एम हटा दो तो बचेगा ये, देखो क्या बचा, अब हटा सकता हूँ ना, हटा के दिखाता हूँ, एम हट गया यहाँ से और यहाँ पे एम हटा दो तो L2T-2 डन, सही हो गया इक्वेशन। या फिर ऐसा कर लो कि इधर एम मल्टीप्लाई कर लो तो बात तो वही आ जाएगी, एम यहाँ पर था, यहाँ पर भी एम मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, एम और एम तो वैसे पहले कर जाना है, फिर लिखे रहने से क्या फायदा है ना। तो यानी कि इक्वेशन तब सही होता जब यहाँ पर एम नहीं होता, समझ गए। फिलहाल तो हमें इतना ही बताना था भैया कि सही है कि गलत है, समझ में आई बात। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशंस का यूज भी कर रहे हैं साथ साथ। और मैंने आपको बताया कि देखो अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं, अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एकत्रित कर रहा हूँ, एकत्रित यानी कि जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, है ना। तो कंक्लूजन क्या रहा बच्चों, हमने डायमेंशन में देखा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या रहा, तो मास, लेंथ और टाइम, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने चूज किए, टोटल थे 7। और मैंने आपको बोला था कि उन 3 से ही अभी काम करेंगे, बाद में 4 के और भी यूज करेंगे, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कम से कम चीज से हम कितना ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं। पूरा चैप्टर लोग पढ़ा देते हैं, बाद में पता चलता है यार इतने चैप्टर में इतनी बकवास चीजें करी, इम्पोर्टेंट टॉपिक तो वही था। तो मेरे पढ़ाने में ये भी आपको फायदा मिलेगा, मेरी क्लासेस अगर आप अटेंड करते रहोगे तो फायदा ये है कि हम ये भी बताता रहूंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है चैप्टर में। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 के ऊपर देखना कि लगभग 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं सारे पढ़ा देता इकट्ठा तो आपको लगता है पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था, और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक का हमें स्ट्रेंथ आना चाहिए, यहाँ पर चैप्टर नहीं कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो 3 के डायमेंशन बताए, और फिर मैंने आपको ये सिखाया कि भाई इनके हेल्प से आप कैसे किसी भी डिराइव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से मिलके बने होते हैं, दोज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कैसे आपका बनता है, कैसे शुरू होता है, वो हमने देखना है। हमने वेलोसिटी बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, मास सॉरी मोमेंटम बताया, वर्क का बताया, काइनेटिक एनर्जी बताया, पोटेंशियल एनर्जी बताया, पावर का बताया, तो ऐसे कई के बताया, एंगल का बताया था उस दिन, एंगुलर वेलोसिटी, तो ऐसे पता चलते रहेंगे, घबराना नहीं है। होते तो बहुत, पूरी फिजिक्स को देखो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, और सबका बनाना और इधर याद रखना, तो दैट इज नॉट अ इजी टास्क। तो जहां जहां वक्त टाइम मिलता जाएगा आते जाएंगे, मैं बताता भी जाऊंगा और आपको कुछ याद भी करने पड़ेंगे, समझ गए। डायमेंशन फॉर्मूला सबके आपको बार बार निकालने तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ना, तो आपको निकालने भी पड़ेंगे, याद भी करना पड़ेगा। तो जानते रहोगे, अगर नहीं याद है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो देखो बच्चों, अभी तो मैंने वो बताया, फिर सेकेंड पार्ट हमारा ये शुरू हो रहा है, लेक्चर 3 जो आज का लेक्चर है, दिस इज लेक्चर 3, 1-2 हमने कर लिया। तो थर्ड मैंने आपको बताया, सिखाया कि कोई भी फॉर्मूला आपके पास है तो उसको चेक करना है, फॉर्मूला है, इक्वेशन है, तो वो कैसा है, सही है कि गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने चेक करना आपको सिखाया, हर टर्म का डायमेंशन अगर सेम आ गया, क्योंकि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लिकेशन डिविजन किसी का भी किसी के साथ कर दो, समझ गए। तो यहां से हम लोग बच्चे कोई भी इक्वेशन फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, डायमेंशन सारे टर्म जैसे इसका इसका सेम आ गया तो इसका अलग ठीक है, गलत आ गया तो इसका अलग सेम, इक्वेशन ठीक नहीं है। अगर सेम नहीं आया तो सिंपल सा फंडा है, लगाते रहो। आप बुक्स वगैरह खरीद ली होंगी आप लोगों ने, आई होप सो, नहीं होंगी तो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी कुछ ना कुछ, आपके सेंटर से बात करें तो दे विल सेंड यू सम असाइनमेंट्स, उसको सॉल्व करो, चेकिंग ऑफ इक्वेशन के बोलो कि भेजो भाई हमें 20-30 क्वेश्चन, और जिसके डायमेंशन नहीं पता चल रहे तो थोड़ा आपकी बुक्स वगैरह से हेल्प ले लो पीछे से, ठीक है। तो कुछ कुछ के बताता भी रहूंगा साथ साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।
और घबराना नहीं, स्टे एट होम, हाथ धोते रहो, दिमाग नहीं धोना है, हाथ धोते रहना है, ठीक है, पढ़ते रहो, इंजॉय भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक, ऐसा नहीं है। और एक टाइम फिक्स करो कि मुझे इतने बजे लेक्चर्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल यार फिर पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे तो है, लेकिन इसको एक यूज करो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर आके प्रॉपरली देखो खड़े होके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू ओनली। सो आपको भी है कि हमें भी तसल्ली से बैठ के, आई लाइक ए स्टूडेंट, घर पे है लेकिन कोई देख नहीं रहा, लेकिन समझ भगवान देख रहा है, ठीक है, तो आपने तसल्ली से बैठ के ये करके लिखना है, समझना है क्या क्या हो रहा है, कोई नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो फिर से समझो, ओके। सो ये चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेज मेरी चल रही जूम ऐप पे, तो जो लोग उस पर भी जुड़ना चाहते हो अपने सेंटर डायरेक्टर्स वगैरह से बात करके, जूम ऐप पे भी आ सकते हो आप, ठीक है। सो उसकी आईडी, वो सारी चीजें सर को भेज दूंगा मैं, अगर जो भी आना चाहते हो, ठीक है, और वैसे तो इस पे मैं भेज ही रहा हूँ। ओके बच्चों, डन, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखें, ओके।